फसल जैसे बच्चे की तरह बड़ा करा अपन, छोटो शुरू को बड़ो करा, और फिर वो हम फसल हुआ खराब हो जाए तो अपना कितो दुख तो हो ही नहीं। Food loss is loss in quantity or quality that happens because of decisions or actions that actors take across the food supply chain, primarily at the farm gate, during transportation, including going to the wholesaler level, and these are also known as post-harvest losses. और कोई पीली पड़ी जाए और कोई सड़ी जाए बिल्कुल, मोटी को तो भावी नहीं आना है बिल्कुल भी, और पतली को भी नहीं आना है, और ये उनको तो नुकसान ही है, वही तो नहीं का बरूबर सड़ी का तो फेंक दिया हमने गाय भैंस के। लास्ट तक मंडी जाते जाते 20% 25% खराब हो जाता है। अगर मान लो 5 रुपये 10 रुपये किलो प्याज बिक रहा है तो ये जो सड़ रहा है वो तो बिकने लायक ही नहीं है, नुकसान होएगा। वो जो अच्छा प्याज है वो भी कम भाव में जाएगा, जो लागत है वो भी नहीं निकलती उसमें। कम से कम आता अभी 50 कैरेट निकला था, अभी 40 जाली मार्केट में गई, बाकी वो 6 जाली ना वो खराब हो गए, रिजेक्ट निकला वो माल, आड़ाई ने होल पाड़ ले। ये खरड़ा है, टमाटे में ऐसा होल रहता है, थोड़ा खरड़ा रहता है, वो तिरंगा बोलते हैं, वो 3 कलर का वो चलता नहीं मार्केट में, तो वो नुकसान है ना, तो ये तो गाय को खिलाते वो कंपोस्ट खत बनाते हैं। नहीं दोन वर्षात झाड लावलं तर तयार होतं, सीताफळ चालू होतं, सीताफळ पाऊस आल्यानंतर थोडं खराब होतं, कॅरेटमध्ये घासल्यानंतर पण खराब होतं, आणि पेटीत भरल्यावर जास्त पिकलेलं असलं तरी ते खराब होतं, आणि मग ते बाजूला टाकावं लागतं। एका दिवसात 8 ते 10 कॅरेट सीताफळ तोडतो, 1-2% खराब होतं आणि पैसे पण नाही येत। हम लोग अभी सोयाबीन और गेहूं का काम करते हैं, किसानों को आधा दाम मिलता है सोयाबीन का, वो तो आर्थिक स्थिति पे तो उसका असर पड़ेगा ही, तो अगर खराब होता है तो चूहे खाना, पानी से खराब होना, गाड़ी में अगर 200 कुंटल में 20 से 25 कुंटल दाल हो जाती है, किसी कारणवश से पानी गिर गया है तो वो सड़न भी हो जाती है, किसान के पास कभी कभी जगह नहीं होती है। अभी वेट में से कम 2% वेट में जाता है, उसके वो उसके बाद हैंडल में 2% जाता है। जैसे हमने इधर चिली का खरीदी किया आज 35 रुपया, बाद में जो उधर अभी देखो बम्बई जाने के लिए 6-7 घंटे जा रहा है, वो अभी 12 घंटे जा रहा है, वो जो 12 घंटे और उधर से बारिश उसमें भी कम से कम 10-15% उसमें नुकसान हो जाता है बाजार भाव में। मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग सभी का प्रॉब्लम है, जैसे कि ग्रेन स्टोरेज ग्रेन में मतलब जब हम स्टोरेज करते हैं तो ग्रेन का लॉसेस होते हैं। अगर हम सब्जी की बात करते हैं तो उसमें तुड़ाई के दौरान और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके लॉसेस होते हैं, और जो मंडी में भी लॉसेस होते हैं। फूड्स क्रॉप की बात करते हैं वो जल्दी राइपन होते हैं, मतलब हर एक के लिए अलग अलग सोल्यूशन हमको ट्राई करना पड़ेगा। When we grow a particular crop, whether it's tomatoes, wheat, bananas, etc., there's a lot of land that is being used, water, fertilizers, labor. Eventually, all of that gets lost across the supply chain because that food is not consumed. Reducing food loss is a complex challenge because the solutions are very geography specific, pertaining to particular crop commodities, and we need to look at the entire food supply chain.
फॉर इंस्टेंस इंटरवेंशंस दैट मे बी नीडेड एट फार्म गेट वुड रिक्वायर यू नो कुड बी अराउंड इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिहेवियरल चेंज दैट मे बी नीडेड व्हाइल एट द सप्लाई चेन साइड दे मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरवेंशंस नीडेड एंड दैट्स व्हाई ऑल सॉल्यूशंस आर वेरी ज्योग्राफी हॉटस्पॉट स्पेसिफिक We are currently focused in two states, Madhya Pradesh and Maharashtra, to understand what are the losses that are happening in onion, soybean, tomato, custard apple, and really identifying more robust data-driven solutions across the supply chain for that. हम लोगों को पता ही नहीं रहता था कि वास्तविकता में इतने प्रतिशत हमारी चीजें खराब हो रही हैं। हम बस ऐसे ही साफ कर रहे हैं कहीं पर फेंक रहे हैं और जब हमने इस चीज़ को नापा है तो उस चीज़ का पता चला है कि वास्तविकता में नुकसान बहुत बड़ा है हमारा